आजमाइश में बंदे का खरा खोटा अलग हो जाता है। सब वो जो खट सोने के अंदर डाली होती है ना हमेशा, वो भट्टी में पकाते ही उतर जाती है, और प्योर गोल्ड की 24 कैरेट की डली निकल आती है। अल्लाह जाने हमारा काली ईमान किस दर्जे का होगा, 17 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, या पता नहीं 9 कैरेट ही हो। अल्लाह ना करे कोई कह दे ये रोल्ड गोल्ड है, भाग जाओ, वो मुनाफिक लोग होंगे। लिखिए एक जुमला, यूथ का टैलेंट देखा है, बूढ़े लोग मोर कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, वो वक्त और हालात और खानदान के साथ रिजिस्ट नहीं करते, वो कहते नहीं चुप करो, दुनिया निभानी है, अभी बच्चों की शादियां भी करनी है। लेकिन जब भी चेंज आई तो बड़ों के अंदर नहीं बच्चों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दावतें दीन दी ना, सब बूढ़े तो दुश्मन थे एक्सेप्ट फ्यू के। बस आप देखिए कि अबू तालिब मुस्लिम नहीं हुए तो उनके दो बेटे हजरत अली और जाफर तैयार इस्लाम के सतून बन गए। आप उधर देख लीजिए, अबू जहल बाप है तो बेटा इकरमा है इस्लाम पे। तो जुमला लिखिएगा, इस्लाम पर जवानी तब आती है जब जवान इस्लाम पर आते हैं, और आज 6 सदी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट लिख के रख लीजिए, इस वक्त उम्मते मुस्लिमा के जवानों के अंदर ईमान और इस्लाम उठ गए। बहुत सो के भी तो बंदा फिर उठ ही जाते हैं ना, अब सो सो के उठ रहे हैं। बड़े अभी उनको बड़ा डराते हैं लेकिन वो नहीं डर रहे। तो क्या फेथ इन एक्शन है, कोई भी मुश्किल आए तो हक के रास्ते को नहीं छोड़ना, अल्लाह की राह पर चलते हुए इसी की रहमत और मदद तलब की जाएगी।